कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जो लिस्ट कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया है उसमें बाघमारा सीट के लिए जलेश्वर महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट मिलने के बाद से जलेश्वर महतो व उनके समर्थक काफ़ी उत्साहित हैं। बाघमारा विधानसभा के कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जैसा कि सभी को भरोसा था कि पार्टी जलेश्वर महतो को ही अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, भरोसा कायम रहा और बीते दिन कांग्रेस ने अन्य विधानसभा सीटों के साथ साथ बाघमारा विधानसभा से जलेश्वर महतो को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जलेश्वर महतो के मौदा स्थित लाल बंगला आवास में कार्यकर्ताओं की भीड़ बधाई देने पहुंच रही है। सभी अपने नेता का हौसला बढ़ाते हुए बधाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ चुनाव में उतरने को तैयार हैं। वहीं जलेश्वर महतो ने कहा कि बाघमारा से अगर बेरोजगारी को हटाना है तो डुल्लू महतो को हराना होगा। आज कोयला इस क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय है, लेकिन डुल्लू महतो अपना वर्चस्व कोयला में स्थापित कर किसी और को ये व्यवसाय नहीं करने दे रहे हैं, जिसके कारण बाघमारा में बेरोजगारी बढ़ गई है। युवा पलायन करके दूसरे प्रदेश रोजगार के लिए जा रहे हैं। बाघमारा में डुल्लू महतो 10 साल में केवल एक ही काम किए हैं, वो है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, कोयला को लूटना। आज बाघमारा की जनता डुल्लू महतो से त्रस्त है, कोई यहाँ खुश नहीं है। बाघमारा को विकास के नाम पर विनाश की ओर ले जाने का काम डुल्लू महतो ने किया है। बाघमारा की जनता अब डुल्लू महतो को अच्छी तरह जान समझ गई है। इस बार डुल्लू महतो बाघमारा विधानसभा हारने का काम करेंगी और बाघमारा की जनता हराने का काम डुल्लू महतो को करेगी। डुल्लू और उनकी पार्टी केवल झूठ बोलने में महारत हासिल की है। डुल्लू कहते हैं उन्होंने 10,000 युवाओं को रोजगार दिया है। उन्हें चुनौती देते हुए लिस्ट जारी करने का जलेश्वर महतो ने कहा है कि आखिर किस युवा को रोजगार दिए हैं। किसी गांव में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। वे सभी से आग्रह करते हैं कि बाघमारा को खुशहाल बनाना है तो डुल्लू महतो को हरा कर उन्हें विधायक बनाने का आशीर्वाद दें। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आरपीएन सिंह सह प्रभारी और प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत स्क्रीनिंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं सबके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, जो मेरे ऊपर विश्वास किया है लोगों ने और मैं उनके विश्वास में खरा उतरूंगा। कार्यकर्ता के दम पर, क्षेत्र की जनता के दम पर, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जोश है, उमंग है और क्षेत्र की जनता जो बदलाव चाहती है, जलेश्वर लाओ गुंडा भगाओ, जलेश्वर लाओ और यहाँ विकास कराओ, यह जो नारा जनता दे रही है, इस जनता और कार्यकर्ता के दम पर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि यह सीट कांग्रेस की झोली में जाएगा और जीत निश्चित हो जाएगी। ढुल्लू ने जो कर्म किया है वो तो पैसा कमाने का कर्म किया है और उनको सभी लोग जान गए हैं कि झूठ बोलने में महारत हासिल है और उनके साथ साथ उनके पार्टी को भी महारत हासिल है झूठ बोलने में। और वह अभी झूठ के सिवा 10 साल में कुछ नहीं बोले और जितना झूठ बोले हैं वो झूठ में से एक पैसा भी अमल नहीं किए हैं। लोगों को ठगने का काम किए हैं, छलने का काम किए हैं, विकास के नाम पर विनाश किए हैं। विधायक के हैसियत से मैं चुनौती देता हूँ, किसी गाँव में उनका कोई विकासकारी काम नहीं है। वह कहते हैं कि 10,000 लोगों को हमने रोज़गार दिया है, उनमें हिम्मत है तो 10,000 का सूची जारी कर दें वो अभी भी। और किस गांव से है एक गांव का नाम बताओ जिस गांव से 10 आदमी उसका है। तो ये तो झूठ बोलने का उनको महारत हासिल है, झूठ बोल के ही लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जनता इस बात को जान गई है कि यह कोयला का व्यापार किसी को करने नहीं देते हैं और कोयला के व्यापार क्षेत्र में अगर कोयला का व्यापार नहीं करेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी और झुल्लू के कारण कोयला के व्यापार नहीं करने देने के कारण यह जो है लोग बेरोजगार हुए हैं और पलायन हो रहा है। तो ये पलायन बहुत बड़ा समस्या यहाँ का है। हम आज के दिन में यहाँ के तमाम नौजवानों को कहते हैं
इस बार हमारा साथ दो, एक ढुल्लू को बेरोजगार करो, सब तुमको रोजगार से जोड़ देंगे, बाकी बेरोजगार को रोजगार से जोड़ देंगे। तो यह हमारा नारा रहेगा, और नारा ही नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आगे भी ये हमारा इतिहास है कि हमने जो कहा है वो किया है। और आज भी मैं सबसे पहले आपसे ये कह रहा हूँ, ये बेरोजगारी बागमारा में बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक एक बेरोजगार को यहाँ रोजगार मिल जाएगा। सिर्फ बेरोजगारों को हम कह रहे हैं कि आप आइए, कदम से कदम मिला के इस जो लुटेरा व्यक्ति को किनारे कर दीजिए, एक बार अवसर दीजिए हमको, एक बार हमको आशीर्वाद दीजिए, हम आपको रोजगार से जोड़ेंगे।